तुमने कभी सोचा है कि मार्वल सीक्रेट वॉर के बाद क्या दिखाया गया? उसने सब कुछ तो दिखा दिया है, आई मीन सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी से लेके सुपर विलन की एंडिंग तक सब कुछ दिखा दिया है, पर अब आगे क्या? क्योंकि सीक्रेट वॉर के बाद में दिखाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है मार्वल के पास। इस वीडियो के एंडिंग तक मे भी आपको पता चल जाएगा कि मार्वल सीक्रेट वॉर के बाद कहां तक जाएगा। Hey guys, you are fine, I am fine, let's get started. अगर तुम मार्वल की हिस्ट्री उठा के देखो तो एक यूनिवर्स की मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्रेट वॉर लास्ट कॉमिक्स होती है। उसके बाद में मार्वल 10 से 15 छुटक इश्यूज निकालता है जिसमें सुपर हीरो की इंडिविजुअल लाइफ पे स्टोरी फोकस होती है। एग्जांपल के लिए कैप्टन अमेरिका एज ए स्टीव रॉजर्स, उसकी पूरी लाइफ दिखाई जाएगी किसी और यूनिवर्स में। ऐसे ही इंडिविजुअली आयरन मैन की भी लाइफ दिखाई जाएगी कि उसने कितने सारे सूट्स बना दिए हैं। पर अब ये सब ऑडियंस को देखने में कोई मजा नहीं आता। अगर रिसेंटली एग्जांपल लो थॉर लव एंड थंडर का, जिस मूवी में थॉर ने बॉडी शॉडी बना रहा है, रॉकेट को घुमा घुमा के फेंक रहा है, ये सब कॉमिक्स में पढ़ने में तो मजा आता है लेकिन थिएटर में सिर्फ नींद आती है। सबसे पहले सीक्रेट वॉर का विलन डॉक्टर डूम होगा। अगर कैंग का तुम इतना इमेजिन करते हो तो डॉक्टर डूम का इतना बड़ा है, और मैं 90% तक श्योर हूँ कि कैंग डायनेस्टी का विलन कैंग चचा ही होंगे। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता कि मूवी के टाइटल का नाम बहुत ही सोच समझ के रखा जाता है। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर ले लो, इन्फिनिटी का मतलब है 6 इन्फिनिटी स्टोन और वॉर का मतलब है सब लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। देखा, ऐसे राजू से पर्दा उठा के ना आज तक के न्यूज रिपोर्टर जैसी फीलिंग आती है। ऐसे ही कैंग डायनेस्टी ले लो, क्या समझ आता है? चलो ये सवाल आपके लिए छोड़ देता हूँ। वहीं पे हम सीक्रेट वॉर का ब्रेकडाउन करें, इसका मतलब है किसी यूनिवर्स के गुप्त जगह पे किसी गुप्त आदमी के साथ एक गुप्त लड़ाई होने वाली है। रूमर्स की बात करें तो मार्वल सीक्रेट वॉर के बाद में एक अलग यूनिवर्स की कहानी दिखाएगा, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, थॉर, सिविल वॉर, एंड गेम, ये सब जहां पे हुआ था वो अपने अर्थ 616 थी। ऐसे ही हमको एक दूसरे यूनिवर्स की स्टोरी दिखाई जाएगी, जैसे कि 1610 या फिर 1999, कुछ भी हो सकता है। और बताया ये जा रहा है कि ये रिबूट एक सॉफ्ट रिबूट होगा। इसका मतलब कि ये जितने भी सुपर हीरो अभी हाल फिलहाल जिंदा है उनको टपका नहीं दिया जाएगा, उनकी स्टोरी कंटिन्यू ही रहेगी लेकिन हमको एक अलग यूनिवर्स दिखाया जाएगा। अगर तुम लोग मार्वल को ध्यान से देखते हो तो तुम लोगों को पता होगा कि मार्वल अब सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है। किसी टिकटॉकर को उठा लिया, उसको 10 से 15 मिनट की ओरिजिन स्टोरी दे दी और बना डाला सुपर हीरो, और अगर किसी पे फोकस करते भी है तो उसमें इतना हगेंगे कि हम लोग साफ करते रह जाएंगे। तब हो सकता है कि आफ्टर रिबूट मार्वल किसी नए सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी पे अच्छे से वर्क करे, और उसी वजह से तो मार्वल फेमस हुआ है इतना। पहले क्या होता था, कॉलेज थोड़ा सा मुश्किल होता था। जैसे कि अगर किसी एक अवेंजर की लाइफ दिखा रहे हैं, एग्जांपल के लिए कैप्टन अमेरिका की लाइफ हमको दिखाई जा रही है, तो उसके अंदर कोई और अवेंजर नहीं होगा, या फिर होगा तो 10 से 15 मिनट का कैमियो होगा उसका। इसका ये था कि कोई भी अगर उस मूवी के अंदर रोल कर रहा है तो वो अच्छा खासा पैसा चार्ज करता था, लेकिन अब शायद पेपर वर्क को इनको थोड़ा सा इजी कर देंगे जिसकी वजह से एक्टर कम चार्ज कर पाए और मैक्सिमम हम ऑडियंस को एंटरटेन कर पाए। इसी उद्देश्य के साथ मार्वल अपने हीरोज की अवेबिलिटी को बढ़ा देगा, जैसे कि अगर कोई मच्छर भी अंदर घुसा, अवेंजर कहां पे हो, आ जाओ, ऐसा। और जैसा कि कॉमिक्स में बड़े बड़े कोलैबोरेशन और वॉर हुए थे, उस हिसाब से ये लोग मूवी में भी वो चीज इंप्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। अगर मार्वल अच्छी स्टोरी नहीं दिखाई तो ये डेफिनेटली खतरे में है, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे और काफी बड़े बड़े यूनिवर्स इसको टेक ओवर आराम से कर सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही ज्ञान, लाइक जरूर कर देना, और अगर लाइक करके नहीं जा रहे हो तो रीजन एटलीस्ट बता देना कि वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो चलो गाइज, मिलते हैं ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए वकांडा फॉरएवर।